जी तोड़ मेहनत में लगी हैं। इसी कड़ी में सोनीपत विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान ने अपने जनसंपर्क अभियान को रफ्तार देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में करीब एक दर्जन से अधिक जनसभाओं में पहुंचकर वोट की अपील वो कर रहे हैं। इस अवसर पर हर जगह क्षेत्रवासियों ने बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, एक तरफा जन समर्थन का भरोसा भी दिया है। निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत में बीजेपी का संगठन पूरी तरह से एकजुट है, मजबूत है। बीजेपी का जो हर कार्यकर्ता है धरातल पर पार्टी के लिए पसीना इस वक्त बहा रहा है और वो सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद भी करते हैं। तो निखिल मदान को भारी जनसमर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के बीच वो पहुंच रहे हैं की कोशिश लगातार जारी है। सोनीपत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं निखिल मदान, जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। सोनीपत की जनता मन बना चुकी है, उनको बदलाव चाहिए और सोनीपत की जनता इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है सोनीपत के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेगी। आप सब यहाँ पर पहुंचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं समझता हूँ आज से ये चुनाव मेरा नहीं, ये आप सबका चुनाव है। आप सब निखिल मदान बनकर इस चुनाव में उतरे और आप सब ने अब ये चुनाव संभालना है। मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी और संगठन में भी। मैं आप जिस तरीके आप मेरे को निर्देश दोगे उस तरीके मैं आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करूंगा।